12 अक्टूबर की शाम 7:30 बजे केसीसी कंपनी में नाबालिग मजदूर लोकेश काकारिया बिजली के झटके से उसकी मृत्यु हुई थी। 16 अक्टूबर को किए गए तलाठी पंचनामा के अहवाल के आधार पर उसका सही नाम लोकेश काकारिया, उम्र 17 साल, गांव किटिया, पोस्ट कस्मानिया, जिला देवास, मध्य प्रदेश बताया गया है। इस घटना की जानकारी छुपाते हुए खदान प्रबंधक ने शव को उसके घर वालों के पास मध्य प्रदेश भेज दिया गया। ऐसी जानकारी तलाठी ने तहसील कार्यालय में दिए गए पंचनामों में निम्नलिखित है, परंतु शव गांव पहुंचा या नहीं यह सवाल अभी भी बना हुआ है। मौजा कड़वस गट नंबर 225-1 में निहार जयंत खड़तकर व संजय चंद्रशेखर इंगरे इनके नाम की जमीन पर पत्थर की खदान लगाई गई है। काम काफी देर तक शुरू होने के कारण बाल मजदूर लोकेश 12 अक्टूबर की रात 7:30 बजे मशीन शुरू करने गया और करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। ऐसी जानकारी कंपनी प्रबंधक ने दी। बताया जा रहा है कि इसके पीछे किसी बड़े राजनेता का हाथ हो सकता है। आगे की कार्रवाई पुलिस करती है या इस मामले को यही रफा दफा किया जाएगा, ऐसी कथनी परिसर की जनता कर रही है। हिंगना से आशीष गोंडाने की रिपोर्ट, NBC न्यूज़, नागपुर।